हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है। लास्ट वीक लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 के पहले पांच क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। स्टेटमेंट में हमें बोला है कि एक कॉर्ड है जो कि एक सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है उसमें ड्रॉ की गई है। उस कॉर्ड के कारण जो सर्कल है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। हमें दोनों सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये सपोज हमारा सर्कल है जिसका रेडियस हमें 15 गिवन है, 15 सेंटीमीटर। इसका सेंटर सपोज O, इस पे कॉर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं AB, जो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, सेंटर के साथ एंगल इसका बन रहा है 60 डिग्री का, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरियाज फाइंड करने हैं दोनों सेगमेंट्स के। माइनर सेगमेंट ये छोटे वाला हो जाएगा और मेजर सेगमेंट ये ऊपर वाला सारा पार्ट हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स के एरियाज फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये रेडियस हमें कितना गिवन है, ये रेडियस हमें 15 गिवन है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये पूरा सेक्टर, इस पूरे सेक्टर को अगर मैं निकाल लूं, जो हमारा सेक्टर बन रहा है कोड के आर्क के कारण, ओ ए बी सी, ये सेक्टर हमारा बन रहा है। ये पूरा सेक्टर हमने बाहर निकाल के यहाँ पे बना लिया। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला सेगमेंट। मीन्स की यहाँ पे अगर मैं कोड ड्रॉ करूं तो मुझे ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे सेक्टर का एरिया लेता हूं, उसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो मेरे पास सिर्फ ये एरिया बच जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर हो गया। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये ऊपर वाला ओ ए बी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसमें से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमें ये पता लग जाए कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किस टाइप का है वो पता करते हैं हम। हमें पता है कि ये दोनों साइड्स क्या है, ये रेडियस ही है सर्कल की, मीन्स के दोनों 15-15 की होगी। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, वो हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। तो ये ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो है वो बराबर है, इसलिए ये हमारा बन गया आइसोसेलस ट्रायंगल। अब अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इसके ये एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सपोज ये इक्वल है एक्स एक्स, यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60, तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू क्या आएगा 180 के। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 120। 60 उधर जाके माइनस हो गया 180 में से, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 आ गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 60। मीन्स की x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो मेरा ये एंगल कितना निकल गया, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री का, और ये एंगल भी मेरा कितना आ गया 60 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60-60 के इक्वल हो गए हैं, मींस कि तीनों ही एंगल्स बराबर्स हैं।
अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो मींस कि ये ट्रायंगल मेरा कौन सा ट्रायंगल है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वेयर। ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब भी हमें किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुट करते हैं बस, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वेयर माइनस इधर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड इसकी भी कितनी है 15, तो ये 15 स्क्वेयर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। यहाँ पे आ जाएगा 6 हमारा, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 117.75, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास आ जाएगा 97.31। अब इसमें माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया होगा किसका, माइनर सेगमेंट का। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर का मीन्स अब ये पूरे ऊपर वाले पार्ट का, इस छोटे वाले पार्ट का निकल गया, अब मुझे इस पूरे का निकालना है। तो इस पूरे का कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट का एरिया, तो बाकी का बचा हुआ सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो अब निकाल रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वो क्या है, वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं, वो आया था हमारे पास 20.41 आया था आई थिंक। तो इसमें से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15 का स्क्वेयर माइनस 20.41। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 706.5 माइनस 20.4, ये 3 था, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। तो हमने दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकाला, पहले माइनर सेगमेंट का कैसे निकाला, पूरे सेक्टर का पहले एरिया निकाल लिया, सेक्टर में से हमने ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। फिर जब एक बार माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया तो हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर को माइनस कर दिया, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया जो है वो आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।